स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको जो हमारे सास बहु मंदिर में दूसरे भाग में आ रहे, पहले भाग हमने पूरा मंदिर का दर्शन कराया, लेकिन दूसरे भाग में सबसे पहले हम विष्णु मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है उसकी अंदर की जो कारीगरी है वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप बाहर से मेन गेट पर जो पिलर और छत बनी है वो आप देख रहे हैं। ये पूरी छत पर विष्णु भगवान के अवतार रामायण महाभारत ऐसे कई सारे अवतारों के चित्रण इसकी छत पर दीवारों पर किए गए हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बारीक काम आप यहाँ पर इसके दरवाजे पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही बड़ी मूर्तियाँ छोटी मूर्तियाँ सब कुछ आपको इतना बारीक काम इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। ये हम जो मेन गेट है विष्णु मंदिर का और जो कहा जाता है सास का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो सहस्त्र बाहु मंदिर बोला जाता है। और ये देखिए पीछे की तरफ भी कितना सुंदर ये मूर्तियां जो साक्षात आपको लगेंगे कि कहीं पेरिस फैशन शो में आ चुके हो, ऐसी सुंदर मूर्तियां इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है। करीबन 10वीं सदी का ये सब काम आपको ये देखने को मिलेगा जब यहाँ पर कछुआ वंश के राजा महिपाल द्वारा ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। पूरी छत और ऊपर सीलिंग जो जियोमेट्रिक आकृतियां बनी है वो भी देखने लायक है। इतना सुंदर नज़ारा। और ये जो हम मंदिर के अंदर की तरफ बहुत ही सुंदर तोरण आपको दिख रहे होंगे, पत्थर के इतने सुंदर तोरण, और उस तोरण में भी और ये पिलर पर इतनी सारी मूर्तियां हैं। आप एक एक मूर्तियां देखोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। इतना सारा वर्क इस मंदिर के अंदर किया गया है। ये तोरण में भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना काम किया गया है। ऊपर की तरफ छोटी छोटी मूर्तियां और जो जियोमेट्रिक डिजाइन भगवान विष्णु शिव और महेश की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इतनी सुंदर मूर्तियां आपको हमारे पौराणिक मंदिर है उसमें ही आपको देखने को मिलेगी। और ये सब यहाँ उदयपुर के पास सहस्त्रबाहु मंदिर यानी कि सास बहु मंदिर में ये दो मंदिर है, एक विष्णु मंदिर है एक शिव मंदिर। जो विष्णु मंदिर का अंदर का जो पूरा नज़ारा हम ये दूसरे भाग में हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे भाग में हम आपको विष्णु मंदिर का पूरा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। और उसके बाद चौथे भाग में आपको हम शिव मंदिर जो बिल्कुल बगल में है वो पूरा दिखाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कवर करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने इसको चार भाग में बनाया है। जो सबसे पहले हमने दिखाया इस सैटरडे को आया जो 30 तारीख को, वो ओवरऑल मंदिरों का वर्णन था। और फिर ये दूसरा जो मंदिर है हमने दूसरे भाग में ये विष्णु मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है वो आपके लिए दिखाने की कोशिश की है। इतना सुंदर ये मंदिर है और
जो ऊपर की छत पर जो जियोमेट्रिक डिजाइन ने बनी है, और मैंने कहा उसी तरह से विष्णु भगवान के अवतारों की पूरी कथाएं इस मंदिर की दीवारों पर, छत पर, पिलर पर और तोरण में सभी जगह उकेरी गई है। और इतना बारीक काम जो किया गया है कि इतना शायद आज की टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर से भी करना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना बारीक काम इस मंदिर में किया गया है। और कहा जाता है जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इस राजधानी को कब्जे में किया था, तब यहाँ के लोगों ने ये मंदिर में पूरे चूने और मिट्टी से भर दिया था और एक जो छोटी पहाड़ी की तरह ये मंदिर दिख रहा था। फिर जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेज आए और अंग्रेजों के शासन में इस मंदिर से ये चूने और मिट्टी को निकाल के मंदिर को फिर से खोला गया था। ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंदिर बना हुआ है। इतना जो काम आपको ये हम दिखा पा रहे, अगर फुल लाइट होती तो आपको इतनी सारी मूर्तियां देखने को मिलती, और जो ऊपर तोरण और ये सब, और अंदर भी बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सभी अलग अलग मुद्राओं में आपको देवी देवताओं की, अप्सराओं की, गंधर्वों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। और ऐसे ही हमारे वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पौराणिक मंदिर हमारे इस देश में इतने सारे हैं कि वो सबसे अनछुए है। और हमारा प्रयास है कि इस मंदिरों को लोगों के समक्ष लाया जाए, ताकि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसको प्रचार किया जाए। और ये जो तोरण में आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे जो शिल्प किए गए हैं, ऐसे इतना सुंदर कार्य उस समय जो 1000 साल पुराना, वो कैसे करते होंगे वही सोचने की बात है। इतना सटीक तरीके से और इतना बारीक काम वो कैसे करते होंगे, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। इतना इंजीनियरिंग का ज्ञान फिर भी हमारे लिए लोगों को विदेश में जाते हैं और वहाँ के आर्किटेक्चर को देख के अचंभित होते हैं। लेकिन आप हमारे देश के आर्किटेक्चर को भी देखिए, ऐसा काम कोई विदेशी भी नहीं कर पाया होगा, और विदेश में ऐसे आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे सुंदर आर्किटेक्चर का आप यहाँ रसपान कर सकते हैं ऐसे। और हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति, उसके विषय में भी काफ़ी चीज़ें इस मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई है। हमारा शास्त्र, धर्म, वो सब इस मंदिरों के जरिए हमको दिखाया जाता है, जो हम अभी भूल चुके हैं सब कुछ, वो ये मंदिर देख के आपको सब कुछ याद आएगा कि कितना हमारा जो देश होगा उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो कितना पावरफुल और समृद्ध होगा कि इतना बारीक काम और इतना सुंदर काम उस समय किया जाता होगा।
और मैंने कहा ऐसे ही ये इसी मंदिर का बाहर का भी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो यहीं पर हमारी वीडियो ये अंदर की वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन अलर्ट आ जाएगा। और ये पूरा सास बहू मंदिर हमने चार भाग में इस वीडियो को बनाया है। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं।